तो आज का सेशन हमारा, लास्ट टाइम हमने किया था नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है जी, ये किया था, कस्टम फॉर्मेट से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि आपका, जैसे कि मैं एक चेक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, एपोस्ट्रॉफ डाल के लिखना पड़ेगा मुझे, ज़ीरो आगे लगाने के लिए, तो जैसे ये एक चेक नंबर है, हैं जी, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से कभी हमारा कन्वर्ट टू नंबर हो गया, अब ये गायब हो गया, अब मुझे इसमें वापस वो ज़ीरो लाने हैं, तो एक्सेप्ट कंट्रोल जी के क्या कोई और रास्ता है? नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टम में जाएंगे और 6 टाइम 0 टाइप कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओके करेंगे, आ गए 0, ठीक है। पर ये हुआ कैसे, ये है क्या चीज़? तो अब देखिए कि अभी जो मैंने कस्टम फॉर्मेट में दिया है, वो भी आपके नंबर फॉर्मेटिंग की तरह ही होता है। वो इसमें देखिए जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में नहीं होता है, यहाँ 236 ही है, ठीक है, यहाँ इतना ही है, तो खाली विजिबिलिटी के लिए चेंज हुआ है, ठीक है सर। तो बेसिकली ये तो एक ट्रिक थी, पर असल में ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे होते हैं प्लेस होल्डर्स, कि जो आपकी बैकग्राउंड की वैल्यू और ये जो सेल होती है इसके बीच में जो कनेक्ट करके सेल पे जो आपको विजिबिलिटी देते हैं वो आपके होते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है जी। तो प्लेस होल्डर्स कितनी तरह के होते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास नंबर के प्लेस होल्डर होते हैं, 0 #?decimal, टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं @, स्टार एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसका यूज़ रिपीटेशन के लिए होता है, मैं एक कर यूज़ बताऊँगा अभी एक एक करके। डेट के लिए हम DMY का यूज़ करते हैं, इसी तरह टाइम के लिए आवर मिनट सेकंड HMS का यूज़ करते हैं, AM/PM का करते हैं। कंडीशंस देनी है कोई तो उसके लिए ये बड़े ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, इसके बीच में ऐसे कंडीशन लिखते हैं। इसी तरह से कलर को भी बड़े ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है और कोई भी कलर दे सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि अभी मैंने जो यूज़ किया था वो 0 यूज़ किया था, वो होता क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है, मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा फॉर्मेट अप्लाई कर दूँ कि इसमें पहले से +91 आ जाए, ठीक है जी, +91 अपने आप आ जाए, कोई फॉर्मेट अप्लाई कर दूँ। तो Ctrl+1 से मैं फॉर्मेट सेल में गया, कस्टम में गया, यहाँ पे मैंने टाइप करना है +91। अब देखिए +91 जैसे ही टाइप किया मैंने, यहाँ पे +91 आ रहा है, स्पेस भी दे दिया या डैश दे सकते हैं कुछ भी। अब मुझे बैकग्राउंड की वैल्यू इधर लानी है, तो मैं यूज़ करूँगा 0, 0 लगाते ही सैंपल में वो आ गया मेरा, ठीक है जी। जैसे ही ओके करूँगा तो आपका ये लगा हुआ आ गया, ठीक है जी। तो 0? और हैश जो है ये तीनों एक ही पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, पर इसमें फ़र्क है, छोटा सा फ़र्क है कि अगर बैकग्राउंड की वैल्यू लाते हैं ये लोग, पर मान लीजिए कि जैसे 3 डिजिट का कोड है, जैसे मीटिंग आईडी मैंने भेजी आपको, ठीक है। अब इसमें क्या था कि बीच में एक एक जगह पे, मतलब 3 के बाद फिर डैश होता है ना, इस तरह से होता है। कस्टम में जाता हूँ, मैं करता हूँ 000 फिर डैश। ये क्या करता है, जब एक बार से ज़्यादा बार लगाते हैं तो ये डिजिट को स्पेसिफाई करने लगता है। जैसे सैंपल में देखेंगे, दोबारा 0 लगा रहा हूँ मैं, डैश, कि मैंने कहा कि 3 डिजिट के बाद 0 आ जाए, तो इस तरह से इसने फॉर्मेट बना दिया, ठीक है जी, इस वैल्यू का। तो ये 1 डिजिट यहाँ है, ये पीछे से शुरू करता है कि यहाँ से पहले 3 डिजिट, फिर यहाँ पे डैश लगाएगा, फिर 3 डिजिट, फिर डैश लगाएगा, फिर 3 डिजिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया। पर 0 का यूज़ ऑन करने से क्या होता है कि 0 फोर्स करता है कि अगर वहाँ वैल्यू नहीं है,
मतलब 9 के लिए मैं बना रहा हूँ और 9 वैल्यू नहीं है वहाँ, तो ये बाकी को 0 से फिल कर देगा। इसीलिए मैंने वहाँ 6 टाइम जब 0 डाला था तो जितनी वैल्यू थी उसने ले ली, बाकी जगह 0 यूज़ कर दिया। ठीक है सर। अब वो यूज़ कहाँ होता है, ये जैसे यूज़ कहाँ होता है, जैसे नंबर में आप देखते हैं, नंबर फॉर्मेट में, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, जैसे डबल डेसिमल प्लेस लगाते हैं 12.1। तो इसमें जब हम करते हैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट डबल डेसिमल, ओके, तो यहाँ पे ये ज़ीरो लग गए ना, यहाँ पे तो था नहीं, तो यहाँ ज़ीरो का यूज़ हुआ है। देखने के लिए क्या करते हैं कि कोई फॉर्मेट अपने अप्लाई कर रखा है जैसे यहाँ से, तो कस्टम में जा सकते हैं, वो आपको करंट फॉर्मेट का कोड दे देगा। तो इसने किया है 0.00, ठीक है जी, कि अगर वहाँ कुछ ना हो तो ज़ीरो आ ही जाए। और डॉट क्या करता है, ये डेसिमल, डेसिमल के बाद की डिजिट को स्पेसिफाई करता है। ठीक है सर। तो ज़ीरो का यूज़ आपको समझ आया किस तरह से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लाने के लिए भी, मतलब कुछ भी लिख के बीच में कोई फॉर्मेट सेट करना है, और नंबर फॉर्मेट जैसे सेट करते हैं। ठीक है जी। इन्हीं चीज़ों में अब देखिए कि यहाँ पे जैसे देखें मीटिंग आईडी में या इन में, अगर मैं कम डिजिट डाल देता तो ये ज़ीरो, अभी इसने किसी से फिल नहीं किया है, तो यहाँ तो ज़ीरो भी चल जाता है, कुछ भी चल जाता है, पर यहाँ पे जैसे कि इन वालों में आप यहाँ पे ज़ीरो भी यूज़ कर सकते थे और हैश भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी दिखा रहा है आपको सैंपल में, और क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों सेम काम करेंगे सिंगल टाइम तक। पर जब मल्टीपल में करते हैं इनको, डिजिट वाइज स्पेसिफाई करते हैं, तो इसका बिहेवियर अलग होता है थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पे मैंने 00 लगाया था, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट तो अप्लाई हो पर वैल्यू कम के केस में 0 एक्स्ट्रा 0 ना आए। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हैश को। तो ये डिजिट वाइज फॉर्मेट तो स्पेसिफाई करेगा पर एक्स्ट्रा 0 नहीं देगा। ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा 0 नहीं आया, पर इसी में आप पूरा वो दे देते हैं तो ये ले लेता है। ठीक है सर। तो ये काम हमारा हैश करता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का एक अलग यूज़ है। अब जैसे क्वेश्चन मार्क के लिए मैं कुछ कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ये बेसिकली अलाइंड डेसिमल के लिए होता है। ये जो क्वेश्चन मार्क क्या करता है, स्पेस रिजर्व कर लेता है। ठीक है जी। तीन बार क्वेश्चन मार्क मैंने आगे लगाया, फिर डॉट लगाया, फिर तीन बार क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये क्या करेगा, स्पेस रिजर्व कर देगा। नहीं, डैश नहीं लिया मैंने, अभी मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क करता क्या है। तो जैसे मैंने देखा था, आप कि देख रहे हो कि डेसिमल एक साइड, एक लाइन पे, एक सीध में, वो ये इसके लिए यूज़ होता है। बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने तीन डेसिमल, डेसिमल तीन क्वेश्चन मार्क डेसिमल के पीछे लगाए थे, तो ये उसका स्पेस रिजर्व कर लेता है यहाँ पे। ठीक है जी। कि ये यहाँ 2 का स्पेस है, यहाँ भी 2 का स्पेस है। ठीक है जी। और इसको अगर अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, आप देख रहे हैं आगे से भी रिजर्व कर रखा है इसने 3 का। ठीक है। तो इसका हाँ जी, ये देखिए, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन मार्क पहले दिए थे, फिर डॉट लगाया, फिर 3 क्वेश्चन मार्क, उसका मतलब है कि अब आप इसकी जगह स्पेस रिजर्व कर देगा खाली, कि वो डिजिट आएगी इधर, मतलब उससे क्या होता है कि 3 ये आएंगी, तो फिर ये डेसिमल एक सीध में हो जाएगा ना, तो फॉर अलाइन डेसिमल हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन मार्क का सिर्फ अलाइन डेसिमल, और डेसिमल, डेसिमल के हाँ जी,
हाँ, सिर्फ डेसिमल को, डॉट को उसको। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, यहाँ डेसिमल होता है या फिर हम फ्रैक्शंस के लिए ये बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हो जाता है और ये फ्रैक्शनल सिस्टम में हो जाता है, ठीक है जी। तो ये किसी में के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो अपना है ये आपका बैक स्लैश जो होता है ये फ्रैक्शंस के लिए हो जाता है। फ्रैक्शंस, ठीक है जी। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ सर कि कई बार आप सिस्टम से डेटा तो निकालते होंगे ना, जैसे ईआरपी सिस्टम से, सैस से, सैप से, या ओरेकल से, या एसक्यूएल से, इनसे निकालते हैं। ऐसी सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट आती होगी आपके पास। नहीं, हाँ जी, पर ये क्या है कि ये बेसिक का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आगे जाके अगर आपको इससे काफ़ी सारे काम करने हैं, अभी अभी जो हम चीज़ करेंगे उसमें इन चीज़ों का यूज़ अच्छा खासा होगा, ठीक है सर। हाँ, अभी तो मैं नंबर दिखाया खाली, अभी बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास, हमने लगा दिया इसमें, ये मेरे पास रुपी, और 25.2, तो ये मैंने जो लगाया है यहाँ पे सिंपल मेरा, मैं चाहता हूँ कि इस पे रुपीज़ आ जाए और पैसे आ जाए, है ना, इनके आगे। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में, जब भी कोई टेक्स्ट देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है, तो मैंने कर दिया रुपीज़, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, ज़ीरो एक लगा दूंगा, ठीक है जी। तो आपके रुपीज़ आ जाएंगे, हाँ जी। हाँ, फिर डॉट के बाद डेसिमल स्पेसिफाई होते हैं, फिर मैं उसमें कर देता हूँ डबल डेसिमल कर देता हूँ, और उसमें फिर इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ पैसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। पर अगर आप इसको विदाउट उसके हुक करते हो, मतलब इस सिस्टम के विदाउट कस्टम फॉर्मेट के करते हो, तो आप ये काम नहीं कर सकते कभी इसको टोटल करने का, ठीक है जी। तो इसमें आपका टोटलिंग वगैरह भी हो जाती है। तो इस तरह का डेटा कई बार ईआरपी से आता है, सैप से या वेब से इस तरह का डेटा आता है, जो कि बैकग्राउंड में कुछ और होता है और डिस्प्ले कुछ और हो रहा होता है ना। तो इसको हम ऐसे इस तरह से यहाँ पे ये नंबर्स के लिए हम ये करते हैं। आगे देखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में जैसे मैंने डाल दिया जेनपैक्ट, ओमैक्स, वॉल्वो। मान लो कि मुझे इस इनके बाद में लिमिटेड लगाना है, ठीक है जी, कि कुछ भी डालो लिमिटेड आ जाए या आगे मैसर्स आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, कस्टम में जाऊँगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो भी डालना है मैंने मैसेज डाल दिया, स्पेस, बैकग्राउंड की वैल्यू को ऊपर लाने के लिए एट द रेट का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं ऐट द रेट यूज़ करूँगा तो वो टेक्स्ट जो है इसके साथ कंबाइंड होके हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है जी। अगर आप ऐट द रेट दो बार दे देते हैं तो वही वैल्यू दो बार रिपीट हो जाएगी बैकग्राउंड की, ठीक है जी। अंक एंटर एक ही बार होगी, वो कुछ और देना है लिमिटेड देना है मैंने साथ में, तो लिमिटेड भी इन्वर्टेड कॉमा में दे सकता हूँ, तो इस तरह से आएगा, जबकि लिखा पीछे वही है, ठीक है सर। अब जैसे फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, फॉर्मेट में क्या करते हैं, जैसे नेम कर दिया, तो फिर इसके बाद ये अंडरस्कोर की लकीर सी खींचते हैं, है ना। तो इसके लिए भी एक जैसे शॉर्ट चीज़ है,
कि आप इसमें जाएं कस्टम में, एट द रेट जहाँ लगाएंगे वो आपकी बैकग्राउंड वैल्यू ले लेगा। इसके बाद मैं लगाता हूँ स्टार, स्टार के बाद जो भी आप कैरेक्टर लगाएंगे वो रिपीट हो जाएगा टिल कॉलम विड्थ। तो मैंने वही अंडरस्कोर लगा दिया, तो अब ये कॉलम विड्थ तक रिपीट है। ठीक है सर, तो फॉर्मेट बनाने में इससे मिस नहीं होगा कुछ भी। ठीक है सर, उसके बाद डेट्स के लिए, तो डेट्स का जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो हमारी डेट्स होती हैं वो 1 जनवरी समथिंग से आई हुई अब तक का डेट होता है, 1 जनवरी 1900 से अब तक के डेज होते हैं। तो इनको जो हम डेट से फॉर्मेट करते हैं, कस्टम में जाते हैं, एक बार डी लगाऊंगा तो हमारा सिंगल डिजिट में डेट दिखाएगा। यहाँ सैम्पल में देखिए सिंगल डिजिट में डेट दिखा रहा है कि 14th नवंबर है, आज 14 दिखा रहा है। दो बार तो डबल डिजिट में डेट दिखाता है, मतलब सिंगल डिजिट ये है कि 1 है तो 1 दिखाता है और डबल डिजिट में 01 दिखाएगा। ठीक है जी, और 3 बार करेंगे डी तो एब्रीवेटेड डे नेम आ जाता है, 4 बार तो फुल डे नेम। ठीक है सर, इसी तरह आपका मंथ के लिए एम चलता है, 1 बार एम सिंगल डिजिट मंथ नेम, मंथ डबल डिजिट मंथ, 3 बार एब्रीवेटेड मंथ नेम, 4 बार फुल मंथ नेम, ये 5 बार तक चलता है इनिशियल के लिए, मंथ का इनिशियल। ठीक है जी, ईयर के लिए हमारे पास 2 ही फॉर्मेट है, वाई वाई और वाई 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 वाई। ठीक है, डबल डिजिट ईयर और फोर डिजिट ईयर। ठीक है जी, तो अब मुझे कोई भी डेट बनानी है इस जिस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले डे दिखाऊं पूरा फुल डे नेम, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया, मैंने कहा अब उसके बाद मेरा फुल मंथ नेम आना चाहिए, 4 बार एम लगा दिया। ठीक है, फिर मैं 4 डिजिट में ईयर दे दिया। ठीक है, अब मुझे मैं कहता हूँ डेट भी चाहिए साथ में, तो डैश लगा के मैंने DD दे दिया डबल डिजिट में। तो कैसा भी फॉर्मेट आप इनसे रिपीटेडली बना सकते हैं उसी डेट से। हाँ जी, DD स्पेस DD, हाँ जी आ रहा है। ठीक है सर, तो ये हाँ, तो डेट का हम इस तरह से यूज़ करते हैं इसमें। अब टाइम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पर टाइम फिर भी इम्पॉर्टेंट। मैं इस टाइम को क्या कर देता हूँ, बियॉन्ड 24 आवर्स के टाइम में बदल देता हूँ, 44 आवर्स में। ठीक है जी, AM PM नहीं लगाया, कॉलन के साथ जब आप एंटर करते हैं तो ये टाइम फॉर्मेट होता है आपका। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया इसे 24 आवर्स के फॉर्मेट, 12 आवर्स के फॉर्मेट में, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है कि 1 आ गया यहाँ पे अपने आप, जनरल में करेंगे तो 1 आ चुका है। ठीक है जी, तो इसको क्या करना है मुझे, अब इसका फॉर्मेट कैसे कैसे चेंज होता है यहाँ दिखाता हूँ, कि जैसे H डालेंगे तो आपका आवर आ जाएगा, 8 PM दिखा रहा है तो मैं सिंपली 20 आवर्स है ना, 24 के सिस्टम में, तो इसमें सिंगल डिजिट डबल डिजिट होता है, तो 1 बार H 2 बार H, कॉलन लगाएं ना लगाएं फॉर्मेट कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। MM मंथ के लिए यहाँ डबल डिजिट मंथ, फिर कॉलन सेकंड के लिए डबल S, मतलब S सिंगल डिजिट डबल डिजिट आ जाता है। तो इस तरह से आप टाइम डिस्प्ले करते हैं, ये 24 आवर्स का है, पर आपको 12 आवर्स का चाहिए तो इसके पीछे एक कोड लगाना पड़ता है AM/PM, ये इकट्ठा है, तो ये आपको दिखाएगा 8:16 PM, दिखा रहा है ना, AM/PM इकट्ठा लगाना पड़ता है। अगर इसको हटा देते हैं AM/PM को तो खाली आपका 24 आवर्स में टाइम दिखाता है। अब बियॉन्ड 24 आवर्स के लिए क्या करना है, वो बड़े ब्रैकेट जो हमने लगाए थे उसको H से पहले लगा देता हूँ, तो 44 आवर्स आ रहा है यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये वहीं तक था, टाइम का मैंने यहीं तक बताया था, पर इसमें एक एडवांटेज है कि आपको जैसे 44 आवर्स 16 मिनट्स हैं, आपको ये चाहिए कि इतने आवर्स में टोटल मिनट कितने हैं, टोटल मिनट, तो ये बिगर ब्रैकेट्स को आप मंथ के M के ऊपर लगा दीजिए,
तो आपके ये टोटल मिनट दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आपको टोटल सेकंड चाहिए तो आप यही बड़े ब्रैकेट एस के ऊपर लगा दीजिए, तो ये टोटल सेकंड में आपको डेटा दिखा देगा टाइम का। ठीक है सर, टाइम का क्लियर हो गया। इसके बाद कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन कैसे चलती। कंडीशन से पहले कलर देखते हैं कि जैसे मुझे कोई भी कलर देना है इसमें, तो मैं यहाँ पे कस्टम में जाके बड़े ब्रैकेट में वो कलर नेम लिख सकता हूँ रेड, तो ये रेड हो जाएगा। ये कहाँ से देखा मैंने, नेगेटिव नंबर्स में रेड का ऑप्शन था ना, तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब ये कलर आप यहाँ से कितनी बार कलर चेंज कर ले, नहीं चेंज होगा। ठीक है सर, हाँ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है ये कस्टम नंबर फॉर्मेट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग है सर। अब हाँ कंडीशन का बन सकता है इसमें, क्योंकि पहले क्या था, जैसे नेगेटिव नंबर है वो भी तो एक कंडीशन पे चल रहा है कि आपका अगर वैल्यू ज़ीरो से डाउन है तो अपना वो फॉर्मेट रेड कर दे, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिक में रहने दे। ठीक है जी, तो इसमें एक कंडीशन बनाते हैं कि 100 से बड़े ब्रैकेट में कंडीशन लगती है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो बड़े ब्रैकेट में यहीं देना पड़ेगा रेड हो जाए। ठीक है जी, इसका यहीं पे इसी तरह से देना है। अब अदरवाइज़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या हो, सेमी कॉलन से हम दूसरा दे सकते हैं या दूसरी कंडीशन ऐसे लगा सकते हैं सेमी कॉलन करके। तो अदरवाइज़ मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन होना चाहिए। ठीक है जी, तो ओके करके देखते हैं। तो ये आपका 58 ग्रीन में आ गया, ये 200 में आ गया। जैसे ही वैल्यू बढ़ती है, बढ़ने पे रेड में आ गया, ये कम होगी तो ये ग्रीन में हो जाएगा। तो एक तरह की ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जो कि इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना नहीं है जिसका। ठीक है सर, अब इसी में एक सैम्पल डिज़ाइन करके दिखाता हूँ आपको कि इसका यूज़ मैंने कैसे किया था। कि मान लीजिए कि कई बार हमें इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है कि लाख के बाद कौमा लगता है ना, तो इसमें पर एक्सेल में क्या होता है, इसमें मिलियन बिलियन पे चलता है। तो अब मुझे इंडियन नंबर सिस्टम बनाना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूँगा कि व्हेन वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। ठीक है जी, तो क्या फॉर्मेट हो जाए, हैश हैश कॉमा कॉमा हैश हैश फिर कॉमा नहीं यहाँ पे फिर से हैश डॉट 00 कर देता हूँ। हाँ या अगर डबल डेसिमल में लगाने हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है जी, पर इसमें क्या ये चलेगा पता है, हाँ तो वैल्यू अगर नहीं, अब मुझे अदरवाइज़ में जाना है क्योंकि ये कंडीशन आ गई, तो अदरवाइज़ के लिए मुझे जनरल का रखना पड़ेगा। तो वो जो कोड है वो आपका हैश है, हैश 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 ये रखना पड़ेगा। तो अभी चक्कर क्या है कि सर इसमें जो है ना कॉमा एक स्पेशल कैरेक्टर है, अगर आप एक बार यूज़ करते हो इसको यहाँ पे, जैसे कॉमा एक स्पेशल कैरेक्टर है तो रिप्रेजेंट करता है कि कॉमा का सेपरेटर थाउजेंड और मिलियन बिलियन पे ही आएगा। ठीक है जी, उसका अपना काम है। तो इसके रिजल्ट को स्पेशल कैरेक्टर से इसे नॉर्मल में लाने के लिए मुझे एक बैक स्लैश इस पर लगाना पड़ता है। ठीक है जी, सिर्फ इसी पे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये काम अच्छे से कर रहा है। क्योंकि अगर वैल्यू 1 लाख से बड़ी नहीं है तो आपका नॉर्मल कॉमा काम करता है बढ़िया।
है ना, दिक्कत तो वो लाख की वैल्यू के बाद करता है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे अभी मेरा यहाँ पे सही नहीं आ रहा, अभी क्या दिक्कत है देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पांच वैल्यूज़ के लिए दिया था। अच्छा यहाँ वाला कॉमा तो मैंने दिया ही नहीं है, यहाँ पे एक और हैश कॉमा आना था, ठीक है जी। ये आपका यहाँ से चालू हो रहा है 3000 वाली वैल्यू, फिर उसके बाद दो, और फिर ये लाख वाली वैल्यू। ओके, तो अब आपका कॉमा सही जगह आया है, ठीक है जी। पर वैल्यू जब इससे बड़ी हो जाएगी तो कहाँ जाएगा, ये कॉमा उतना ही दिखा रहा है। अब करोड़ के लिए लगाना है तो मुझे 12 से के बाद में भी एक कॉमा चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन को कॉपी करके और 1 करोड़ की कंडीशन दे दूँगा पहले में, ठीक है जी। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दूँगा और यहाँ पे हैश हैश बैक स्लैश कॉमा एक हैश, ठीक है जी। दो दो के उसमें चलेगा, ओके किया, अब इसमें भी आ गया, ठीक है जी। तो अब मेरा रिज़ल्ट आप देखेंगे सही आ रहा है, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है क्योंकि अदरवाइज में मेरा सिंगल कॉमा वाला चल रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ये आपके इस फॉर्मूला के लिए कोड आ जाता है, ठीक है जी, इंडियन नंबर फॉर्मेट के लिए, ठीक है जी। अब ये जितना भी हमने किया, अब ये चीज़ अभी तक क्या कर रहे थे कि हमें वैल्यू रियल में नहीं चाहिए, बैकग्राउंड वैल्यू वही है, पर कभी आपको अगर वैल्यू रियल में चाहिए, जैसे कि इस डेट का है, इसका मंथ आपको दिखाना नहीं है, एक्सट्रैक्ट करना है अलग, तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। आपने इसको लिया और फॉर्मेट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो कोड दे दोगे, जैसे फुल मंथ के लिए क्या था, 4 बार M था, ठीक है जी। तो ये आपको ये एक्सट्रैक्ट कर देगा उस डेट से, ठीक है सर। कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे तो ये वैल्यू वही की वही रहेगी, नवंबर नवंबर ही रहेगा, ठीक है सर। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये था अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट। अब कस्टम नंबर फॉर्मेट में मैंने जितना कुछ बताया है ये आपको कहाँ मिलेगा, आप F1 से जब अपने हेल्प सर्च करेंगे तो इसके ऑनलाइन हेल्प में, एक्सेल हेल्प में, फ्रॉम office.com पे मिलेगा ये आपका कस्टम नंबर फॉर्मेट। यहाँ डाल देता हूँ कस्टम नंबर फॉर्मेट, देखते हैं ऑनलाइन सर्च करता है नहीं करता। हाँ ये आ गया, क्रिएट और डिलीट कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। तो इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा पूरा, ये वाला, जिसमें आपके इसके रूल्स वगैरह और कौन से करेक्टर्स आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के यूज़ कर सकते हैं, वो है ज़ीरो का क्या यूज़ है, हैश का क्या यूज़ है, क्वेश्चन मार्क का क्या यूज़ है, पीरियड का क्या यूज़ है, और इस वैल्यू को इस तरह से दिखाने के लिए कौन सा कोड यूज़ करना है, ठीक है जी। तो ये सैम्पल हैं, जैसे अलाइन डेसिमल्स के लिए ये हो गया, अलाइन फ्रैक्शंस के लिए हो गया क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है जी। कॉमा से क्या क्या आपका है, 12,000 को इस तरह से दिखाना है कॉमा, तो किस तरह से कॉमा यूज़ करना है, ठीक है जी। तो इसमें आपके दिया हुआ है, कलर कौन से यूज़ कर सकते हैं, हर कोई कलर नहीं यूज़ कर सकते, यही लिस्टेड कलर होंगे जो आपके यूज़ होंगे। उसके बाद MMDDYY, इसमें मतलब क्या है, सिंगल M डालते हो तो क्या होता है, डबल M, 4 बार M, 5 बार M, ठीक है जी। तो DDYY, और फिर मंथ को अगर ऐसा दिखाना है तो कौन सा कोड डालना है, ऐसा दिखाना है तो क्या कोड डालना है, तो ये पूरा आपका विद एग्जांपल है, ठीक है जी। इसी तरह आवर के लिए है,
टाइम इलेप्स्ड फॉर्मेट में कि बियॉन्ड 24 आवर्स वाला, ठीक है जी, इनके सैंपल, ठीक है सर। तो ये आपको फुल डॉक्यूमेंट इसी में एक्सेल की हेल्प फाइल में है ये, ठीक है सर। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम करते हैं, हैवी तो नहीं था ये, नॉर्मली, ठीक। फिल्टर सॉर्टिंग में बता देता हूँ आपको कि एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है सर। जैसे कि मैं डेटा बना रहा था पहले भी, रेंट बिटवीन से बनाता हूँ। डेट अगर मुझे चाहिए तो हमने देखा था करंट डेट जो आती है वो 42,000 समथिंग आती है, तो मैं 42,000 से अगर रैंडम डेट चाहिए मुझे तो उसके आगे का नंबर ले लेता हूँ 43,000, जो कि अप्रॉक्सीमेट 3 साल का डेटा होगा करंट का, ठीक है जी। ये नंबर जनरेट कर देगा ना, इसका डेट करेंगे तो आसपास का ही होगा, तो जितना भी हम ड्रैग कर सकते हैं आसपास की डेट निकलेगी। बाकी नाम और सिटी मैंने कस्टम लिस्ट में डाल रखे हैं पहले ही। सेल्स के लिए मैं रेंट बिटवीन का यूज़ कर लेता हूँ 10 से 90, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि मैं अपना डेटा फटाफट से ड्रैग कर सकता हूँ, जितना आना है वो आ जाता है। इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज़ कर लेता हूँ ताकि डेट बार बार चेंज ना हो। अब ये क्या है कि हमारा फिल्टर और सॉर्टिंग होता है। पहले इससे पहले इसमें एक सिलेक्शन मेथड होता है। अब देखते हैं कि मैं क्लिक करके अगर कंट्रोल शिफ्ट एल लगाऊं तो इन चारों पे फिल्टर लग जा रहा है, ठीक है जी। तो ये होता क्या है कि जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करते हैं तो आपका करंट रीजन सिलेक्ट करता है, डेटा रीजन। ये डेटा रीजन होता क्या है कि जैसे आपका डाटा जो है किसी भी अगर एक पॉइंट पे कनेक्टेड है जैसे, तो ये आपका फुल सेल सिलेक्शन लेगा। अगर एक रो ब्लैंक मिल गई या एक कॉलम ब्लैंक मिल गया तो ये डेटा रीजन टूट जाता है। आप देखेंगे आप सिर्फ इतना ही डेटा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करके फिल्टर लगाऊं तो ये सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या है कि रीजन वाइज डेटा लेता है, डेटा का रीजन होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप विदाउट सिलेक्शन के लगा सकते हो, पर ऐसी काफ़ी सारी ब्लैंक रो हैं तो हम उसको सिलेक्ट करके लगाते हैं प्रॉपरली कि इतने पे फिल्टर लगाना है हमने, ठीक है जी। अब सॉर्टिंग में क्या होता है कि ये अपने डेटा को पहचानता है। जैसे आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसी तरह टेक्स्ट में जाएंगे तो ए टू जेड, जेड टू ए आता है, ठीक है जी। डेट में जाएंगे तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आएगा, ठीक है जी। तो इसे पता है कि किस सेल में क्या डाला हुआ है, ठीक है जी। तो एक तो नॉर्मल सॉर्टिंग तो आप वैसे ही कर सकते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ये सारे के सारे रीजन के अंदर जो होते हैं, फुल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो रीजन में ही होगा पूरे चेंज सारा डेटा आपका, ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो रही सिंगल लेवल सॉर्टिंग। अब मल्टी लेवल अगर हमें सॉर्टिंग करनी है, कि मतलब जैसे पहले हमें नेम सॉर्ट करना है, उसके बाद सेल्स जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करनी है, तो इसके लिए हम जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में ये आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि आपके यहाँ पे माई डेटा एज हेडर्स है, अगर ये टिक है तो आपको ये हेडर्स यहाँ दिखा देगा, ठीक है जी। तो पहले मैंने कहा कि नेम को सॉर्ट करना है, नेम को सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़। किस बेसिस में कर सकते हैं आप, सेल कलर पे कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, सेल आइकॉन पे, और ऑर्डर दे रहा है जेड टू ए, ए टू जेड, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक मैंने नेम सॉर्ट किए, फिर ऐड लेवल किया मल्टी लेवल के लिए, और सेल्स को मैंने कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके किया। तो ये नाम हो गया अपना, फिर इसके अंदर ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया, फिर अगले नाम के लिए
फिर ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग होती है। अब जैसे आपने डेटा कुछ ऑडिट कर दिया कि यहाँ कुछ दिक्कत है, यहाँ कुछ दिक्कत है, अब इसको ऊपर लेके आना है तो कलर वाइज Alt DS इसका शॉर्टकट है कस्टम सॉर्ट का, ठीक है जी। आप यहाँ से डिलीट लेवल कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सेल्स में जो है सॉर्टिंग करनी है सेल कलर के बेस पे। सेल कलर में क्या है कि जो अवेलेबल कलर है आपका वो आपको यहाँ दिखा देगा, येलो है। आप इसको टॉप में रख सकते हैं, बॉटम में रख सकते हैं, ठीक है जी। टॉप में ले आया, ठीक है जी। अब मुझे एक ही जगह पे मेरे को दूसरी एक और दिक्कत पता पड़ी कि इस डेटा में अलग तरह की दिक्कत है, उसको मैंने ऑरेंज कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑरेंज वाले को टॉप में रखना चाहता हूँ और उसके ठीक नीचे येलो वाले को रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए सॉर्टिंग के लिए क्या करेंगे, कॉपी लेवल भी हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो ऑरेंज वाले को मैंने रख लिया टॉप में और येलो वाले को बताइए मैं टॉप में रखूँगा बॉटम में रखूँगा। नहीं सर, टॉप में रखेंगे। बॉटम में क्या होगा उस हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये प्रायोरिटी वाइज चलता है कि पहले आपने क्या दे रखा है उसको प्रायर ऊपर कर देगा फिर दूसरे वाले पे जाएगा, ठीक है। तो इसको ओके करेंगे तो इस तरह से डेटा मिलेगा। एक्चुअली यही ट्रिकी पार्ट होते हैं थोड़े से इसमें, ठीक है जी। इसी तरह से आप फॉन्ट कलर का भी सेम है, उसमें कुछ नहीं है, जैसे सेल कलर वैसे फॉन्ट कलर में भी आपको अवेलेबल दिखा देता है। अभी कोई नहीं है तो वो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये आपका नॉर्मली है। इसमें एक चीज़ और है जो बहुत काम की है। अब मान लो कि मैंने मंथ निकाल लिया यहाँ से, ठीक है जी, अपना वही टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करके। MMMM और इसको मैंने कर दिया पेस्ट एज वैल्यूज। अब ये लगाइए कि मान लीजिए कि इसमें जो है ये वाली डेट वाली सेल होती नहीं हमारी, ठीक है जी। तो हमें अब इसको सॉर्ट करना था मंथ वाइज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से। तो कैसे कर सकते हैं, अगर वैसे करते हैं ए टू जेड, जेड टू ए आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है, और इसमें करते हैं तो अप्रैल कर देता, अगस्त कर देता, मतलब ए ए वाले पहले कर देता, ठीक है जी। तो इसको करना हाँ, अब इसमें करना क्या है वो देखते हैं। मंथ में हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे कस्टम लिस्ट है, कस्टम लिस्ट, और कस्टम लिस्ट वही वाली लिस्ट है जिसमें मैंने ये नाम फीड किए थे। यहाँ पे आपका ये वाला दिया हुआ है ना जनवरी फरवरी, यहाँ से ओके करके कर दिया तो जनवरी आ गया, फरवरी आ गया। अब कस्टम लिस्ट से हमारे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि अगर ये एक एचआर का डेटा होता और इधर डेजिग्नेशन होती, तो मान लीजिए वीपी टॉप पे है, उसके नीचे जीएम, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव, इस तरह से लेवल वाइज सॉर्टिंग करनी होती जिसका पता हमें ही पता है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो हम उसकी एक लिस्ट बनाते, कस्टम लिस्ट में डालते और वहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। जैसे कि अब मैंने सिटी बहुत सारी ली है, मुझे उस ऑर्डर में चाहिए जैसे मैंने सिटी इसमें एंटर कर रखी है कस्टम लिस्ट में, तो कस्टम लिस्ट से मैं वो सिटी वाला डेटा उठा लूँगा यहाँ पे कि पलवल पहले, दिल्ली बाद में, फिर फरीदाबाद, इस तरह से ओके करूँगा। ओके, तो ये फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, उस अम्बाला, ये मेरे ख्याल से तीन वाला डेटा मेरे पास अलग से, तो उस लिस्ट से चूज़ करके फरीदाबाद, नोएडा, अम्बाला, यही इसमें भी लिखा हुआ है, पलवल दिल्ली नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो उस बेसिस पे ये सॉर्ट कर देगा जैसा लिस्ट में होगा, ठीक है सर। तो ये था हमारा फिल्टर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में एक चीज़ होती है कि जैसे अभी हम जो भी कर रहे हैं वो कॉलम में कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, यहाँ हम रो में भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम चल रहा है, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट में आपके पास रो आ जाती हैं, यहाँ रो वन, रो टू,
तो मुझे अगर ये हेडिंग को ए बी सी डी वाइज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ए टू जेड, तो उस तरह से ये डेटा चेंज कर देगा, सिटी डेट मंथ नेम सेल्स इस तरह से आ गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़िल्टर पे। फ़िल्टर के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं, इधर से फ़िल्टर लगा सकते हैं, डेटा से फ़िल्टर लगा सकते हैं। शॉर्टकट जो बन जाते हैं उसके ये ऑल्ट की वजह से, ऑल्ट एच एस एफ, ठीक है, ऑल्ट ए टी, कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑल्ट डी एफ एफ जो पुराना वाला है अपना डी एफ एफ, तो ये सब फ़िल्टर के शॉर्टकट हैं। उसी तरह से अब जैसा कि हमारा डाटा सॉर्टिंग पहचानता है तो फ़िल्टर भी पहचानता है। जब आप क्लिक करेंगे इनमें तो ये आपको बताता है कौन सा फ़िल्टर लगा हुआ है। जैसे ये टेक्स्ट फ़िल्टर लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन अलग आते हैं। नंबर फ़िल्टर है तो नंबर के ऑप्शन अलग आते हैं यहाँ एक्स्ट्रा। डेट फ़िल्टर है तो डेट के ऑप्शन अलग आते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले करते हैं डेट फ़िल्टर। तो डेट में जाते हैं, जैसे इक्वल्स टू तो नॉर्मल है कोई भी डेट का, यहाँ से आप कैलेंडर से चूज़ कर सकते हैं कोई भी डेट या डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी फ़िल्टर वाली आ जाती है। तो ये आपका नॉर्मल फ़िल्टर होता है इक्वल्स वाला। पर उसके बाद बिफ़ोर, इससे पहले कि इस डेट से पहले वाली सारी डेट आ जाए, तो इससे पहले वाली सारी डेट फ़िल्टर हो जाएंगी। ठीक है जी, इसी तरह से आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, टुडे, जैसे टुडे का है आज का कोई डेटा नहीं है, अगर होता तो इसमें फ़िल्टर हो जाता। टुमारो का है नहीं है, यस्टरडे का है नहीं है, हाँ नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते की कोई डेट है तो ये आपको दिखा रहा है 18th है। नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का डेटा। ठीक है जी, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वार्टर का, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, ईयर टू डेट है YTD, ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी 2015 से आज की डेट तक का डेटा। ठीक है जी, उसके बाद ऑल डेट्स इन पीरियड, अब क्वार्टर वन, तो ये क्वार्टर वन की सारी डेट ले लेगा। क्वार्टर वन का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, पर ये हाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक ईयर का नहीं, ये सारे ईयर का जनवरी, फरवरी, मार्च है, स्पेसिफिक नहीं है इसमें, ये सबका है जो आपके डेटा में मौजूद है। इसी तरह ये जनवरी, फरवरी है तो सारे ईयर की जनवरी, फरवरी है। ठीक है सर, सारे ईयर्स की जनवरी। तो डेट में हमारे ये फ़िल्टर होते हैं। आप नंबर में देखते हैं, नंबर में भी नॉर्मल है, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तो नॉर्मल है, बिटवीन तक। टॉप टेन, टॉप टेन में आपका क्या होता है कि टॉप, यहाँ पे टॉप है, बॉटम है, टेन है, आइटम और परसेंट है। तो पहले आइटम देखते हैं, टॉप टेन क्या होता है कि टेन, टॉप वाले टेन आपके फ़िल्टर कर देगा, जो हाईएस्ट टेन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है जी, मतलब खाली हाईएस्ट ही नहीं, आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितनी चाहिए आपको, एडिट कर सकते हो, 20 चाहिए तो। और परसेंट क्या होता है, टॉप 10%, टॉप 10% होता है कि जैसे आपका 700 रिकॉर्ड्स हैं तो 10% ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाता है हाईएस्ट रिकॉर्ड, मतलब 700 का 70 रिकॉर्ड दिखाएगा आपको हाईएस्ट वाले। ये वो नहीं है कि आपका टोटल करेगा और उसमें से 10% की रेंज में जितने आ रहे हैं टॉप वाले उनको दिखाएगा, ये 10% ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, इसी तरह से अबव एवरेज, अब इसमें क्या करता है, एवरेज निकाल लेगा और एवरेज से अबव वाले फ़िल्टर कर देगा, और बिलो एवरेज, एवरेज से बिलो वाले फ़िल्टर कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद टेक्स्ट फ़िल्टर देखते हैं। टेक्स्ट फ़िल्टर में थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा सा है, इसमें इक्वल डज नॉट इक्वल वैसा ही है, बिगिंस विद, एस से बिगन होने वाले नाम फ़िल्टर कर दिया इसने, एंड विद, एच से एंड होने वाले नाम,
एच से एंड हो गया महेश में, कंटेन्स मतलब बीच में कहीं भी हो डबल ई, तो बीच में संदीप प्रदीप इन्हीं दोनों नाम में है, ठीक है जी। डज नॉट कंटेन जिसमें ये ना हो, ठीक है जी। उसके बाद इसका देखते हैं कस्टम फिल्टर। तो ये अभी तक जो भी हमने ऑप्शन देखे वो गिवन ऑप्शन थे, उसके अलावा आपको ऐसे ऑप्शन यूज़ करने जो नहीं दिए हैं तो इसमें से आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिगिन विद, डज नॉट बिगिन विद, एंड विद, डज नॉट एंड विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन्स, ये सारे आपके आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है, क्वेश्चन मार्क और स्टार। अभी इसके लिए ऑप्शन बताता हूँ कि इसमें मान लीजिए कि अब जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग है, अब इसमें कई बार कंफ्यूजन क्या होती है कि आगे इसमें ए है कि यू है पता नहीं, ठीक है जी। डेटा में इस तरह से हो जाता है कई बार, और कई बार क्या होता है कि ये डबल ई है कि आई है ये नहीं पता, ठीक है जी। तो अब इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं अपना कस्टम फिल्टर। जैसे कि अब इसमें है कि ये नाम है, अब इस नाम में आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो जिस डिजिट में उसको हटा के वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये कह रहा है कि यूज़ क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, मतलब एनी कैरेक्टर कुछ भी हो फिल्टर कर दे उसकी जगह। तो ओके करेंगे तो यू वाला तो आ गया, पर आई वाला क्या है कि आई वाला मैंने दो करेक्टर हटा के रखा है तो वो सिंगल करेक्टर नहीं है, तो मतलब ये डबल ई की जगह मैं करूँगा कि यहाँ पे मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं और मुझे पता नहीं कि वो क्या है, तो वहाँ मैं स्टार दे दूँगा, ठीक है सर। हेलो, हाँ तो वहाँ स्टार दे दूँगा तो ओके करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आई वाला भी आ रहा है, ठीक है सर। अब इसमें कस्टम फिल्टर में तो स्टार एग्जैक्टली क्या करता है, जैसे हमारा बिगिंस विद था तो मैंने कहा था एस से शुरू होने वाले, और मैंने उसके बाद कहा कि स्टार अगर लगा दिया तो इसका मतलब है कि इसके बाद कुछ भी हो, ठीक है, एनी कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा, इन सबको फिल्टर कर देगा। तो बिगिंस विद का लॉजिक ये है, ठीक है, ये बिगिंस विद पे अपने आप आ गया, और एंड विद का लॉजिक ये है कि उसके आगे स्टार है, मतलब आगे कुछ भी हो एंड में ये होना चाहिए। तो एच आ गया, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ हुई, ये कंटेन्स में क्या, ये कंटेन्स में लग गया, इक्वल्स में लगाना था मुझे, तो इसका जगह यहाँ स्टार, हाँ तो एच लास्ट में होना चाहिए आगे कुछ भी हो, तो अब ये हाँ तो एच आ गया। और कंटेन्स में क्या था, आगे स्टार था, पीछे स्टार था, बीच में करेक्टर था, हाँ जैसे कि आगे स्टार मतलब आगे कुछ भी हो, बीच में ई होना चाहिए और पीछे कुछ भी हो, एक स्टार आगे दे दिया एक स्टार पीछे, तो जहाँ डबल ई होगा ये उसको फिल्टर कर देगा। तो क्लियर है सर ये फिल्टर, तो आज के लिए बहुत है कि आगे चलें। हाँ जी डायरेक्ट टेबल में क्या नहीं कर सकते उसको, टैबलो, अच्छा वो तो सॉफ्टवेयर होता है ना क्लाइंट, सर एक्चुअली क्या है ना कि वो स्पेशल टूल्स है उनकी कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है जी। हाँ अच्छा।